झूठी बदनामी का दाग किस कदर बेचैन किए रहता है, यह भुक्त भोगी ही जानता है। उसकी एक ही तमन्ना होती है कि कब फिर से एक और अवसर मिले और वह अपने आप को निर्दोष और प्रतिभाशाली सिद्ध कर दिखाए। फिल्म चक दे इंडिया का कबीर 8 साल बाद ही सही ऐसा अवसर मिलने पर अपने दामन पर लगे देशद्रोही के दाग को तो साफ करता ही है। महिला हॉकी टीम का दामन भी खुशियों और उपलब्धियों से भर देता है। अपनी ईमानदारी और देश के प्रति निष्ठा को शक की निगाहों से देखा जाना कबीर खान के लिए एक नासूर से कम दर्दनाक नहीं था। अब संयोग से उसे मौका मिला था खुद को इस कलंक से बेदाग साबित करने का। उसे प्रशिक्षक के रूप में महिला हॉकी टीम को विश्व विजेता बनाना है। कबीर खान इस चुनौती को स्वीकार करता है। कबीर यह जानता था कि एक बार फिर असफल साबित होने पर उसे फिर अपमानित होना पड़ सकता है। जिस टीम को उसे प्रशिक्षित करना है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटी मोटी टीमों से भी हारती रही है। वह यह भी जानता है कि चुनौती जितनी बड़ी होगी उतना ही वह खुद को सुरखरू साबित कर सकेगा। जो टीम इस काम के लिए उसके सामने थी वह किसी की भी हिम्मत तोड़ देने के लिए काफी थी। देश के विभिन्न भागों की हॉकी की ये श्रेष्ठ खिलाड़ी थीं, लेकिन एक टीम नहीं बन पा रही थीं। वे खुद को भारतीय खिलाड़ी नहीं पंजाब हरियाणा झारखंड महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश मणिपुर के खिलाड़ी के रूप में देख रही थीं। अपने खेल को लेकर दंभ से भरी थीं। अपने सामने दूसरे को किसी तरह का मौका देने के लिए तैयार नहीं थीं। यहाँ तक कि अपने प्रशिक्षक के लिए भी उनके मन में कोई लिहाज नहीं था। इन बिखरी हुई दंभ से भरी अनुशासनहीन अलग थलग लड़कियों को एकजुट समर्पित और अनुशासित टीम का रूप देना कबीर खान के लिए पहली चुनौती थी। इस काम में कबीर का अतीत भी बाधा बना हुआ था। फिर भी कबीर जानता था कि इन सबको कैसे रास्ते पर लाया जा सकता है। उसका पहला सबक अनुशासन का था। जो भी खिलाड़ी अनुशासन तोड़ते उसे मैदान से बाहर कर दिया जाता। इस व्यवस्था के विरुद्ध पहला विद्रोह किया बिंदिया नाइक ने, जो इन सब में सीनियर खिलाड़ी थे। वह अग्रिम पंक्ति में ही खेलना चाहती थी, जबकि कबीर के अनुसार वरिष्ठ खिलाड़ी होने के नाते हाफ लाइन में वह ज्यादा योगदान दे सकती थी। विपक्षी टीम पर अच्छे हमलों की योजना बना सकती थी। बिंदिया नहीं मानी और मैदान से बाहर कर दी गई। बिंदिया के बाद हरदम गुस्से से भरी रहने वाली कोमल चौटाला को भी अपने विद्रोह का यही परिणाम भुगतना पड़ा। कबीर को इस बात का डर नहीं था कि सब उसके खिलाफ एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि अगर वे इस कारण भी एकजुट होती हैं, तो यह बहुत छोटी कीमत है। इस एकजुटता का सबूत कबीर खान को उस दिन मिला जब एक रेस्तरां में खाने के दौरान कुछ लड़कों ने लड़कियों से बदतमीजी करने की कोशिश की। उस मौके पर सब लड़कियों ने मिलकर उन लड़कों की पिटाई कर दी, लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं हुई थीं। विश्व कप में जाने से एन पहले हॉकी संघ का फरमान आ गया कि टीम विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने लायक नहीं है। कबीर की कोई बात सुनने के लिए वे तैयार नहीं थे। कबीर ने आखिरी दांव के रूप में प्रस्ताव रखा कि इस टीम का एक मुकाबला पुरुषों की टीम से रखा जाए, हमारी टीम जीती तो भेजें वरना नहीं। मैच हुआ। मध्यांतर तक पुरुषों की टीम 3-0 से आगे थी। मध्यांतर में हॉकी संघ का प्रतिनिधि आकर सुना भी गया कि हॉकी स्टिक उठाना चूड़ी पहनने वाली इन लड़कियों के बस का काम नहीं है, और इस बात ने लड़कियों में जैसे बिजली का संचार कर दिया। 2 गोल एक के बाद एक कर दिए। आखिरी नतीजा हालांकि 3-2 से पराजय का रहा, लेकिन दर्शक और पुरुष हॉकी टीम के सदस्य भी उनके जुझारूपन के कायल हो गए और विश्व कप में जाने की अनुमति मिल गई। पहला ही मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था और 7-0 से पराजय। मान लिया गया कि यह टीम कोई मैच जीतने लायक नहीं है। कबीर देख रहा था कि टीम की सबसे सीनियर खिलाड़ी बिंदिया नाइक का मन खेल में नहीं है। उसकी शिकायत यह भी थी
कि उसके होते हुए विद्या शर्मा को कैप्टन बना दिया गया था। अगले मैच में कबीर ने बिंदिया को बाहर बिठा दिया। मीडिया में मजाक बनाए जाने से टीम आवेश में थी और इंग्लैंड जैसी टीम को 1-0 से पराजित कर उसने अपने भीतर के गुस्से को प्रकट कर दिया। टीम जीतने लगी थी। सेमीफाइनल में साउथ कोरिया से मुकाबला था। टीम 1-1 मार्किंग के साथ खेल रही थी। किसी भी खिलाड़ी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। ऐसे में कबीर ने बिंदिया के पास जाने में कोई संकोच नहीं किया और उससे कहा कि आज टीम को तुम्हारी जरूरत है। कोरिया की इस मार्किंग को सिर्फ तुम ही तोड़ सकती हो। बिंदिया ने इस विश्वास का मान रखा और मैदान में आते ही कोरिया की रणनीति को बिखेर दिया। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और भारत फाइनल में पहुंच गया। यहां मुकाबला एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ था। कबीर एक बात शुरू से ही देखता आ रहा था कि अग्रिम पंक्ति की प्रीति और कोमल एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में गेंद एक दूसरे की ओर बढ़ा ही नहीं रही थीं। अब तक तो काम चल गया था लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं चल सकता था। कबीर ने मैच की पूर्व संध्या पर उनसे बात की लेकिन अगले दिन के मैच में उस बात का असर नहीं दिख रहा था। भारत की टीम 2-1 से पीछे थी और मैच के आखिरी क्षण थे। कोमल गेंद को लेकर आगे बढ़ी। वह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से घिरी थी। गोल के पास पहुंचते ही उसने प्रीति को जोर से आवाज दी और गेंद उसकी तरफ बढ़ा दी। प्रीति के सामने खाली गोल था और उसने गेंद गोल में सरका दी। मैच बराबरी पर आ गया था और अब फैसला पेनल्टी स्ट्रोक पर होना था। भारत के पहले 2 स्ट्रोक बाहर निकल गए जबकि भारतीय गोलरक्षक और कप्तान विद्या ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रोक को रोक नहीं पाई थी। भारत 2 गोल के अंतर से पिछड़ रहा था और अब करो या मरो की स्थिति थी। तीसरे हिट बिंदिया को लेनी थी और गेंद गोल में थी। उधर ऑस्ट्रेलिया के हिट को विद्या ने बचा लिया था। चौथी हिट भी भारतीय टीम गोल में बदलने में कामयाब रही और ऑस्ट्रेलिया असफल रहा। आखिरी हिट लेने का अपना मौका प्रीति ने कोमल को दे दिया था और गोल। भारत को बढ़त मिल गई थी और अब सारा दारोमदार विद्या पर आ गया था। कबीर को अपने आखिरी मैच के ऐसे ही क्षण याद आ रहे थे। विद्या जैसे एकाग्रता की प्रतिमूर्ति थी। कबीर ऑस्ट्रेलिया की स्ट्राइकर के पैरों को देख रहा था। वह जान गया था कि वह गेंद सीधी फेंकेगी। एक क्षण के लिए विद्या की कबीर से नजरें मिलें, संकेत मिल गया और अगले क्षण गेंद विद्या ने रोक ली थी। भारत बना विश्व चैंपियन, वह हो गया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मीडिया कबीर की जय जयकार कर रहा था लेकिन कबीर सोच रहा था कि पिछले 8 सालों से वह जिस तकलीफ से गुजरा है, क्या इससे उसकी भरपाई हो सकेगी? फिल्म के आधार पर पटकथा का पुनर्लेखन सुरेश उनियाल।